Cocktails India and I am your host दादा बार्टेंडर. Friends, मेरे पास है आज ब्लैक एंड व्हाइट एक ब्लेंडेड विस्की है और ऑफकोर्स ये स्कॉच विस्की है. इसका हमेशा कंपेयर किया जाता है वेट 69 के साथ, जेन बीरियर के साथ, वैसे ही कुछ विस्कीज के साथ. इवन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं 100 पाइपर, रेड लेबल, उसी कैटेगरी का विस्कीज को. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विस्की इज वॉट यू नो, इसका एक डेडिकेटेड फैन बेस है. अब वो लोग कहीं भी जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए. और ये क्यों, इसके पीछे भी एक छोटा सा रीजन है जो मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू ब्लैक एंड व्हाइट स्कॉच विस्की के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. रुकिए, आगे बढ़ने से रुकिए. क्या आपके घर में बहुत अच्छा कलेक्शन है विस्कीज का? क्या आप ड्रिंक इंथुसियास्ट है, अक्सर एक्सपेरिमेंट करते रहते अल्कोहल के साथ? क्या आप चाहते हैं कि फैंटास्टिक डिलीशियस कॉकटेल को अपने हाथों से बना के गेस्ट को पिलाना, जो गेस्ट आपके घर में आते हैं? तो फिर ना आपको मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए. आप सोचते होंगे कि दादा का तो वीडियो मैं देख ही लेता हूँ रेसिपी का, तो मैं घर में आराम से बना लूँगा, फिर वर्कशॉप ज्वाइन करने का क्या दरकार है ना? तो फिर ये ध्यान से सुनिए कि फाइव स्टार होटल में शेफ का क्या जरूरत है. यू नो, बुआ आंटी सबको रेसिपी दे दीजिए और खड़ा कर दीजिए, वो लोग बना लेगा, है ना? ऐसा नहीं है, सीखना पड़ता है कुछ टेक्निक्स जो मैं सिखाऊंगा अपना वर्कशॉप में. तो आइए और सीखिए कॉकटेल का हुनर. वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलेंगे बहुत जल्द. चलिए रिव्यू को फिर से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट मैं बताऊंगा कि इसका जो बॉटल शेप है, ये क्वाइट है, लंबा बॉटल है और क्वाइट इंटरेस्टिंग देखने में ये बॉटल है. इसका जो बॉटल कलर है ये ग्रीन कलर का बॉटल है, बट अभी तो आपको ये ग्रीन दिख रहा है, बट पहले जब इस विस्की को लॉन्च किया गया था तब इसका कलर हुआ करता था ब्लैक और इसमें एक वाइट लेबल को रखा करते थे और इस वाइट लेबल के ऊपर एक नाम हुआ करता था, कहा जाता था हाउस ऑफ कॉमन, जो विस्की का नाम था. बट इनिशियल डेज में देखा गया था कि जो भी कस्टमर्स वो विस्कीज को खरीदने के लिए आते थे वो अक्सर वो हाउस ऑफ कॉमन को ना पुकारते हुए पुकारते थे कि वो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट वाला विस्की दे दो. और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ये जो नाम इतना प्रचलन हो गया था उस टाइम पे, तो इसका जो ओनर है मिस्टर जेम्स बुकानन ने डिसाइड किया कि नहीं, इसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट रखा जाए. और तो और दो डॉगीज यहाँ पर आपको दिख जाएंगे. ये जो डॉगीज है ये मिस्टर जेम्स बुकानन एक डॉग शो देखकर लौट रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर ये दो डॉगीज को, मतलब लोगों में दो डॉगीज को इनकॉर्पोरेट किया जाए. क्योंकि तब एक इशू भी हो रहा था, जब इस विस्की को लॉन्च किया गया था 1884 में, तब यू नो एक अलग सा कंपनी आया था, बियर कंपनी, जो अपना बियर का नाम रखा था ब्लैक एंड व्हाइट. तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट ये लेकर गड़बड़ हो रहा था, तो मिस्टर बुकानन ने 1890 को ये दो जो डॉग हैं इनको लेबल में लगा दिए कि इससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए, उसका विस्की ब्रांड को अलग सा पहचान मिले. जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसका एक डेडिकेटेड फैन बेस है और इसके पीछे एक जनरल रीज़न है, वो है बजट फ्रेंडली स्कॉच विस्की. जी हाँ, इसका जो प्राइस है वो कोलकाता में फिलहाल है 2400, जो एक बजट फ्रेंडली विस्की है. और सिर्फ बजट नहीं, इसके पीछे और एक छोटा सा रीज़न है कि ये जब विस्की आप पियेंगे तो बदबू जो है ना मुँह से, जो आफ्टर यू नो स्मेल है, वो बहुत कम निकलता है. इसीलिए यूथ मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट को पसंद करते हैं. मुझे मालूम नहीं है कि सच में ये काम करता है या नहीं, मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मैं कभी भी इंटॉक्सिकेटेड होकर दारू पीता नहीं हूँ. मतलब इतना नहीं पीता हूँ कि मैं इंटॉक्सिकेटेड हो जाऊँ, मुझसे बदबू निकलने लगे. हालांकि मैं बहुत मॉडरेट ड्रिंकिंग करता हूँ, बट ये कहा जाता है कि ये यूथ कहते हैं कि नहीं दादा, इसमें बहुत बदबू कम मारता है. तो हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, बट मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा, फिर से करूँगा कि आप लोग मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, तो वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा मुंह से बदबू निकालने का. इस विस्की का अगर क्राफ्टिंग का बात करूँ, अगर ब्लेंडिंग का बात करूँ, तो मैं बोलूँगा कि इसमें ये ऑफकोर्स ये एक ब्लेंडेड विस्की है और इसमें सिंगल मॉल्ट विस्की एंड ब्लेंडेड विस्की दोनों का कॉम्बिनेशन है. बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी ग्रेन विस्की इसको ज़्यादातर मिला गया है और वो भी इसको कलेक्ट किया गया है लोलैंड का एरिया जो है, स्कॉटलैंड का जो लोलैंड एरिया है वहाँ से. और इसमें दो बेहतरीन सिंगल मॉल्ट को भी ब्लेंड किया गया है, वह है बलविनी एंड क्लेनलिश.
ये दोनों ही डीआरजीओ ओन करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये फिलहाल डीआरजीओ के अंदर में बनता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग इसका ब्लेंड है, और ऐसे ये लोलैंड होने के कारण ये जो विस्की है ये थोड़ा आपको सॉल्टी, थोड़ा सा लेमनी एंड थोड़ा सा कैरमल टेस्ट देगा, हल्का स्वीटर इनसाइड होगा। तो बहुत ही अमेजिंग ये विस्की है। बहुत बकबक कर लिया, अभी थ्रस्टी हो चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ ब्लैक एंड वाइट। तो चलिए पोर करते हैं। जैसे कि इसका जो बॉटल कलर है वो है ग्रीन बॉटल। अब जब भी ऐसा किसी बॉटल्स को आप नोटिस कीजिएगा या खरीदिएगा उसकी, तो जान लीजिए कि इसमें आर्टिफिशियल कलर जो है वो बहुत कम मिलाया जाता है, लेस अमाउंट देने से हो जाए, क्योंकि आपको बाहर से समझ में आएगा नहीं कि उसकी का कलर क्या है। अगर कंसिस्टेंट नहीं भी रहा कलर तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या आपके दिमाग में कुछ अलग सोच नहीं डालेगा, बोलेगा कि यार इस बार कुछ उसकी लाइट लग रहा है, आप ऐसा सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि डार्क कलर का बॉटल है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये विस्की जो है ये रिच गोल्ड कलर है। ऑफ कोर्स इसमें 150A को मिलाया गया, जो आर्टिफिशियल और नेचुरल कलर आप बोल सकते हो। तो चलिए अभी नोज करते हैं। माइल्ड स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगा, उतना भी स्मूद नहीं लग रहा है कंपेयर टू वैट 69। मुझे ब्लैक एंड वाइट फिर अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने वैट 69 का रिव्यू किया था, तब उस टाइम पे मुझे वैट 69 थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगा। इवन मैं अगर कंपेयर करूँ रेड लेवल के साथ, तो भी ये ना नोज़ में उतना ओवर पावरिंग नहीं है जितना कि रेड लेवल मुझे लगा था। तो उन दोनों से अगर कंपेयर करता तो ब्लैक एंड वाइट काफ़ी आगे है। अब फ्लेवर का बात करूँ या नोट्स का बात करूँ तो ना मुझे शार्प ग्रेन जो होता है ना उसका फ्रेग्रेंस आ रहा है। इससे पता चलता है कि इसमें जो विस्की इसको ब्लेंड किया गया वो बहुत यंग है। अब ये बात तो तय है कि इसमें जो भी विस्की इसको ब्लेंड किया गया है वो 3 years एंड अबव है। अकॉर्डिंग टू स्कॉच विस्की लॉ विस्की को विस्की बनने में 3 साल तो लगता ही है। अगर यह बर्बन होता तो अमेरिकन विस्की होता तो इंस्टेंट बनाते और डाल देते विस्की में, वो जायज़ है अमेरिका में। हालांकि स्कॉटलैंड में विस्की को विस्की बनने में 3 साल लगता है। तो अगर ये शार्प ग्रेन टेस्ट कर भी रहा है तो भी मैं बोलूँगा कि कम से कम 3 years एंड अबव विस्कीज़ है। बट हाँ 3 years कुछ भी नहीं है स्कॉटलैंड में। सिट्रसी नोट्स आ रहे हैं जैसे कि लेमन, और मैं बोलूँगा कि शावर जैसा मैंने शावरी नोट्स मोस्टली मुझे मिल रहा है, और यू नो कभी बिस्किटी फील हो रहा है, मतलब जो बिस्किट का जो फ्रेग्रेंस होता है ना जब आप पैकेट को खोलोगे जो नोज़ आता है फटक से, वही नोज़ मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, बिस्कॉटी नोट्स। और हिंट ऑफ पीट, मैं पीट यहाँ पर बिल्कुल ओवर पावरिंग नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं कि ये स्मोकी विस्की है, बट हाँ कहीं ना कहीं हल्का स्मोकी नोट तो आपको मिलता है। चलिए अभी पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। स्मूथनेस के मामले में मैं हमेशा रेड लेबल वैट 69 इनसे आगे रखूंगा, बट जेन भी जो मैं टेस्ट किया था उससे शायद ये ब्लैक एंड वाइट कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग है। जेन भी और भी मुझे स्मूथ लगा था, बट हाँ समहाउ वैट 69 और रेड लेबल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये आगे रहेगा गारंटी। एंड पैलेट में मुझे ड्राई फ्रूट्स का एहसास हो रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं बोलूँगा रेजिन हो सकता है, यू नो फिर फिग हो सकता है ऐसा कुछ। साथ में हल्का यू नो लेमनी और सिट्रसी नोट फिर से मुझे मिल रहा है पैलेट में, और मेरा जो माउथ है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है, मतलब ये विस्की जो है ये मीडियम टू मीडियम ड्राई है मैं बोलूँगा। और यू नो ये पैलेट में कहीं ना कहीं स्पाइसी नोट को भी कहीं ना कहीं जनरेट कर रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ हल्का स्पाइसी नोट भी, एंड बिट उडी मैं बोलूँगा। यहाँ पर पीट मुझे गायब दिख रहा है, पीट मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब पीटी जो स्मोक है वो मुझे नहीं मिल रहा, बट हाँ उडी स्मोक को मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। और फिनिश का बात करूँ तो ऑफकोर्स ये उतना स्मूथ फिनिश नहीं है, बट समहाउ ये
कुछ देर तक आपका पैलेट में रहता है एंड कहीं ना कहीं आपको एक हनी स्वीटनेस का एहसास देता है। तो ये है इसका फिनिश। अब फाइनल कंक्लूशन, अगर आप एक स्कॉच लवर हैं और अक्सर अपना पैलेट को एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए चेंज करते रहते हैं व्हिस्की ब्रांड को, तो मैं फिर सजेस्ट करूंगा एक बार आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी ट्राई करना चाहिए। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस क्यों देगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्वाइट सिट्रसी है, क्वाइट लेमनी है, क्वाइट यू नो सॉल्टी है। मतलब एक यू नो ये ना डायरेक्टली जो रेगुलर स्कॉच विस्की का जो फ्रेग्रेंस और नोट्स होता है उससे काफ़ी मिलता नहीं है, थोड़ा सा हटके है। और तो मैं बोलूँगा कि अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्कॉच अक्सर ढूंढा करते हैं तो मैं बोलूँगा कि येस, ब्लैक एंड वाइट वुड बी द बेस्ट चॉइस। एट द सेम टाइम अगर आपको पीट पसंद नहीं है या पीटी विस्कीज पसंद नहीं है, आप हल्का मीठा एंड स्पाइसी किस्म का विस्कीज पसंद करते हैं, तो भी मैं आपको ब्लैक एंड वाइट रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वोट दी होगा आपके लिए। साथ साथ ऑफकोर्स 2400 इट्स नॉट अ बिग डील और बिग अमाउंट फॉर अ यू नो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि अगर अब तक आपने ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल एक बार आपको ट्राई तो करना चाहिए। याद रखिएगा मॉडरेट ड्रिंकिंग जो बहुत ज़रूरी है, टेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आनंद उठाइए, ज़्यादा मत पीजिए, दैट्स ऑल। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।